बाइक को क्या हो रहा है? मेरी बाइक की चाबी अभी अरे ये लीक क्या हो गया इसमें से? ये कूलेंट सर फैल रहा है, कूलेंट कूलेंट हो गया, कूलेंट तो गिरती है तो निकलता ही है ये लीक। अच्छा ये फट गया पूरा ये? हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम ई ब्लॉग। इस मनोज और दोस्तों कैसे होप से बेच होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं सुभाष पार्क एम जी रोड पर के टी एम शोरूम पर। यहाँ हमारी जो बाइक है वो पड़ी हुई है करीब पिछले 3 महीने से, तो चलते हैं अंदर बात करते हैं, आ जाइए। हाँ चलो केड़ी केड़े अभी आ रहा हूँ। यार साला गेट हुआ है, हम कंफ्यूज हो गए। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं के टी एम शोरूम पर और ये रहे हमारे भूपेंद्र सर। क्या हाल है सर? बढ़िया है। कहाँ घूम रहे हैं? काफ़ी नई बाइक का स्टॉक आ चुका है। अच्छा मॉडल है काफ़ी, मुझे आकाश सर बता रहे थे कि चलने में काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये बताइए कि हमारी बाइक का प्रेजेंट में क्या स्टेटस है? चलिए ठीक है, आप बैठिए, हम उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों हमारी ये है केटीएम का, यहाँ पर सर्विस सेंटर है, यहाँ पर रिपेयरिंग होती है। यही हमारी बाइक जो पिछले करीब 3 महीने से पड़ी हुई है, केटीएम का ये हाल है। और बाइक कौन सी हमारी? बाइक कौन सी हमारी? वाइट वाइट वाली, ये वाली। हाँ आप इसको खोलिए जरा एक बार पूरा। हाँ मुझे दिखाओ। तो इसमें जो है जो मीटर है वो डल चुका है, मीटर डल गया, ऑलमोस्ट सारा सामान डल और चुका जो ये पाइप है ये रह गया है ना, मतलब अच्छा जो स्विच है स्विच रह गया और ये वाला स्विच ये वाला ठीक है, ये चेंज नहीं किया? नहीं ठीक है। अच्छा वो ठीक है, मिरर्स वगैरह सब लग गए, लाइट भी है अवेलेबल, लेगर वगैरह सब लग गए, ग्रिल ग्रिल लगाना है बस। अच्छा ग्रिल है ही नहीं है यहाँ पे, ग्रिल लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अभी आया नहीं है ना। ग्रिल और एक स्विच, दो आइटम रह गए, ऑलमोस्ट गाड़ी डन। जो लाइट थी वो तो बिल्कुल ठीक थी शायद, मे बी तो वही लगनी है आपकी लाइट, वो तो ठीक थी पहले से ऑलरेडी, आपकी लाइट लगेगी वही फुटेज, तो छोटा आइटम जब साथ में लगेगा इसके साथ ही लगवाऊंगा। नहीं तो हमें ये बताइए कि केटीएम की सर्विस इतनी बेकार है कि 3 महीने में जो है अभी तक ये बाइक हमारी ठीक नहीं हो पाई है। धीरे धीरे करके आ रहा है तो हम लोग क्या करें, हम लोग केटीएम का वो कर रहे हैं क्या, मतलब एक तरीके से कोई भी कस्टमर अब केटीएम की बाइक न ले? ऐसा नहीं है सर। नहीं तो क्या करें फिर, क्या करें फिर, करें क्या पर्टिकुलर पार्ट में? ऐसा नहीं है केटीएम की बाइक में करें या सर्विस सेंटर में? नहीं तो ऐसा फिर मतलब कस्टमर 3 महीने आप जानते हैं, आपने खुद 2 लाख रुपए खर्च किए और 3 महीने तक की बाइक पड़ी हुई है सही नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे बताइए? 2 लाख रुपए अमाउंट छोटा नहीं होता है। बस अभी आपका जो सोच आना है और वो भी वहाँ से नहीं, तो वो तो मैं पिछले 3 महीने से सर मैं वही सुन रहा हूँ, मैं वही सुन रहा हूँ कि आना 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 है, वो कब आएगा? अगले हफ्ते तो भैया मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मेरी कल छुट्टी है और आप क्या बता रहे हैं मुझे? सुनिए मुझे आप क्या बता रहे हैं, ये चीज तो मुझे मैंने ट्वीट किया है, मुझे वहां से बताया है, मेल किया है वहां से बताया है और जो भी था मैंने सारे सोर्सेज सब कर लिया, सिर्फ एक सोर्स बचा है, लीगल नोटिस भेजना है मुझे जो केटीएम है उसको, ऐसे कंज्यूमर कोर्ट होता है, बस मुझे वहां जाना है। नहीं इशू क्यों नहीं है? इशू है, इशू क्यों नहीं है, मुझे वहां जाना है। जरा ये हटाओ, जरा मुझे बाइक की जरा वो दिखाओ हालत। तो दोस्तों जो बाइक है हमारी उसका हुआ था एक्सीडेंट करीब 3 महीने पहले, ये वही केटीएम है जो आप देखते हैं मेरे जो भी है वीडियो उसमें, तो ये हमारे राहुल भाई इनके थ्रू हुआ था एक्सीडेंट। तो ये बेंड पाइप है, स्विचेस है और जो भी लाइट्स वाइट्स हैं और जो पीछे का जो ग्रिल है वो खराब हो चुकी थी, स्विच के साथ में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें हैं।
अवेलेबल KTM, आप यकीन नहीं मानेंगे, KTM एक अच्छी एक ब्रांड है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी, मेंटेन भी करती है, लेकिन उसके देखा जाए ना तो बजाज जो है, बजाज विद इन 15 डेज या 20 डेज बजाज ले लो, होंडा ले लो या हीलर हीरो, सारे पार्ट्स अवेलेबल करा के दे देती है। वो नहीं था कंपनी से इसलिए नहीं, नहीं पार्ट्स तो अवेलेबल हैं। इशू ये हो सकता है कि या तो जो है आपका जो ये शोरूम है इसके थ्रू कुछ गुना हो, ऑलरेडी है ना, आप भी कर रहे हैं। हाँ मैंने तो बहुत मिल किए हैं, बहुत मिल किए हैं। वरुण जो है, वरुण मेरी उनसे बात हुई है, वरुण से बात हुई है मेरी, और मैं भी कर रहा हूँ आपके लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपकी तो कब तक हो पाएगा सर? नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा गाड़ी, नेक्स्ट वीक मतलब दो दिन बाद। अच्छा ये बताइए कि आप कोई आदमी आपसे बोले कि आपका काम कल हो जाएगा और वही चीज वो आपको बार बार कर रहे, रिपीट करता रहे, आप कितना आप उसपे बिलीव करेंगे? मुझे ये बताइए कितना बिलीव कर सकते हैं? एक बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं, तीन बार? पचासों बार भैया वही चीज सामने बार बार निकल के आ रही है कि हाँ हाँ, तो मतलब क्या करे फिर कस्टमर, क्या करे? नहीं ये चीज आप पहले बोल देते कि नहीं हो पाएगा हमसे, हम नहीं है तो फिर हम यहाँ से कहीं और डाल देते। नहीं होगा तब तक आपको कैसे कहेंगे नहीं हो पाएगी गाड़ी? नहीं तो नहीं तो और मैं डाल के गया था और मेरे साथ में और भी बाइक्स जब डली थी, अब उनका तो मुझे पता नहीं रिकॉर्ड क्या है, वो गई या नहीं गई, ठीक हो गए तो फिर मेरी क्यों नहीं जा रही है, मेरी में क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा नहीं है कि हमने आपकी बाइक ऐसी छोड़ रखी है, फेंक रखी है, ठीक है वो काम हुआ है, काम हुआ है अच्छे से प्रॉपर कवर करके, काम हुआ है भैया, काम हुआ है, लेकिन 3 महीने का पीरियड काफी बड़ा होता है, 3 महीने का टाइम पीरियड काफी बड़ा होता है, तो वो करना चाहिए था। अच्छा टैंक चेंज हो गया क्या भैया राहुल? चेंज कर दिया, बिल्कुल नया डाल दिया, थोड़ा सा इशू आ रहा था सर। राहुल भाई टैंक बिल्कुल नया डाल दिया या वही है पुराना वाला? नया डाल दिया। हाँ वैसे नया ही है क्योंकि वो डेंट जो है जो था निकलने लायक नहीं थी, नहीं थी तो बिल्कुल नया ही है। वो निकलने लायक डेट नहीं थी राहुल भाई, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि एज ए इस सिचुएशन को देखते हुए KTM की बाइक ओवरऑल परफॉर्मेंस और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेहतर है सभी से, लेकिन सर्विसेज आफ्टर सेल जो सर्विस होती है वो बिल्कुल रॉस्ट बेकार है, थर्ड क्लास है, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर किसी का गाड़ी ठुक जाए या बिगड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर क्या करोगे? बस वेट ही करते रहो, वेट ही करते रहो, वेट ही करते रहो। KTM की बाइक लेता है वो सुनता है बंदा, हाँ 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर वो बाइक लेता है कम से कम ना आप में इसके बदले में अगर कोई एक बाइक दे देते तो ठीक है, हमारा काम चलाते। वो तो आप ये आपने सुनिए, यकीन मानिए कि राहुल भाई का पैर ना थोड़ा इंजर्ड हो गया था, ये है राहुल भाई, तो इनका पैर में जो रॉड है वो डली हुई है, तो इसकी वजह से इन्होंने ना ज्यादा वो नहीं किया, वरना आदमी को बाइक चाहिए चाहिए, आदमी डेली कहीं जा रहा है, डेली पे कहीं आ रहा जा रहा है, तो वो क्या वो फिर क्या करेगा बताइए मुझे? मेरी बाइक भी पास नहीं होगी तो दिक्कत होगी, मतलब ऐसा लगता है जैसे बाइक केवल बेचने के लिए है और आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल बेकार है। और ये जो वीडियो है हम भी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, ताकि KTM जितना हो सके उतना अपनी सर्विस को अच्छा करे, अच्छा करे, क्योंकि बिना उसके काम नहीं हो पाएगा और ठीक से काम नहीं चलेगा। वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। आपको बाइक मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक तो भैया मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, अब बताइए मैं कितना सुनूंगा इस चीज। एक्शन ही हो रहा है पिछले 3 महीने से, आपको इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल भी हो चुका है, सारी चीज हो चुकी है, जो भी अमाउंट है उसका तब भी नहीं हो पा रही है, तो बताइए कब होगा? बताइए, हाँ वो कोई इशू है ही नहीं है, तो फिर इशू आ किस चीज का रहा है? ये भी नहीं है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे बिल्कुल पूरे, क्यों नहीं होंगे? KTM कोई कंपनी छोटी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है KTM, ठीक है? नहीं सर कोई इशू आ जाता है, ऐसे नहीं इंटरनेशनल कंपनी का पार्ट ही नहीं होते, कभी कोई वेंडर इशू आ जाता है तब नहीं मिलता, कंपनी में पार्ट ही नहीं होगा सर। आप चाइना से मंगाओगे बट वहां से भी आ जाएगा, इशू आ गई तब की गाड़ी में, ऐसा नहीं कि हर गाड़ी में आता हो, आपको खुद नहीं पता है अभी पार्ट्स कब आएंगे? नेक्स्ट वीक नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे नेक्स्ट वीक, नहीं पाएंगे। मुझे तो खुद जो वरुण है ये से मेरे को खुद वो बोल रहे थे कि विद इन आपको 2 डेज बाइक किट जो है डिलीवरी हो जाएगी, मुझे मेरे पास SMS भी आया था कि 24th अक्टूबर को आपको बाइक मिल जाएगी। अब बताइए 24th कहाँ चला गया और आज कितना है? 15-20 दिन ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी बाइक नहीं मिली है, अभी बाइक में बस एक एक पार्ट उसमें असेंबल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी वो एज इट इज वैसे की वैसे ही है,
तो हम आपसे बस उम्मीद यही करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको सही कर दीजिए ताकि हमारे खुद जो राहुल भाई हैं वो नेक्स्ट वीक। अब देखिए ये तो बाइक है, खुद एक इंसान अच्छा खासा जो है वो ठीक हो गया, अपने पैर पर चल पा रहा है, जबकि पैर में बिल्कुल रॉड पड़ी है। ये तो बाइक है, इसको तो और जल्दी ठीक हो जाना था। बताइए इशू काफी बड़ा है सर, ये छोटा इशू नहीं है। आपको नेक्स्ट वीक जब कोई बंदा बाइक लेने आता है पहले एक बार सर्विसिंग के बारे में सोच ले। अच्छा आप मुझे ये बताइए, अब मैं इस वीडियो में क्या बोलूं, ये बोलूं कि सुभाष पार्क केटीएम से एमजी रोड पे कोई बाइक न परचेस करें या फिर यहाँ पे अपनी कोई बाइक इंश्योरेंस क्लेम के लिए न डाले, क्योंकि यहाँ पे बाइक ठीक नहीं होती है। नहीं सर ऐसा नहीं है, पहले बाइक ठीक होती नहीं है तो यहाँ डालेंगे कोई मतलब ही नहीं है, या तो वो दिल्ली ले जाए या नोएडा ले जाए, कहीं बाहर ले जाए, वहाँ पे पार्ट्स तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, वो अपनी बाइक ठीक ले जाएगा, कोई पागल थोड़ी है जो अपना। ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान करने के लिए हैं सर, तो 3 महीने बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, किसी पार्ट की वजह से या किसी तरह से आ जाता है तो वही एक इशू, अदरवाइज कुछ नहीं है। आप कभी भी आएंगे कोई भी गाड़ी नहीं टाइमली मिलती है, ऐसा नहीं। परचेसिंग के लिए तो बाइक ले लीजिए, हो गया आपके साथ सर, लेकिन सबसे अब हुआ है तो वही चीज हम बोल रहे हैं, वरना विद इन अगर वन आप भी करते होंगे, आप भी करते देता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी तो इसकी कहानी अलग होगी है बिल्कुल। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद यही करते हैं। ओके ठीक है राहुल भाई, चलो आप वेट करेंगे और 2 दिन बाद की बोल रहे हैं। देखो इनका नेक्स्ट वीक कब आता है। नहीं मैं नेक्स्ट वीक 100% दूंगा गाड़ी आपको। हाँ। और ये मैं अपने वर्ड कह रहा हूँ, ये केटीएम इंडिया के थ्रू नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल ऑन वर्ड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा बिल्कुल। मैं केटीएम इंडिया के थ्रू नहीं कह रहा आपको, मैं अपने वर्ड कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आपको गाड़ी दे दूंगा। आपका नाम भूल गया, मैं नाम जितेंद्र भाई कह रहे हैं हमारे कि विद इन 1 वीक हमको बाइक दे देंगे। मैंने ऑलरेडी प्रयास किए हैं बहुत सारे, उनकी प्रयास होते भी आप पे कह रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी दे दी और हमने आपको छोड़ दिया, गाड़ी भी छोड़ दिया, तो 100% देते हैं अपना, ऐसा ठीक है। हमारा इतना हैप्पी कस्टमर कैसे रहेगा सर, होना चाहिए कस्टमर को, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी बड़ा होता है, अगर वही नहीं है तो फिर बेकार है। आप जब आए थे आपको नोटिस किया होगा, आप वहां बैठे रहे, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका तुरंत हुआ कि नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ, आपने हुआ? किया उस चीज में मुझे डॉक्यूमेंटेशन में केटीएम बहुत अच्छी है, किया कि नहीं किया। हाँ वो ठीक है, हो गया ठीक है। अभी सारी चीजें हम ऑन प्रायोरिटी पे करते हैं, ऐसा नहीं कस्टमर को लाके बेवकूफ बना के बिठा दिया 3 घंटे बैठो, सारी चीजें आपकी करवाई टाइमली, उसके बाद में आपका क्लेम कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत एक बड़ी चीज है, कंपनी उसी चीज से जानी जाती है। अभी हमारा इतना टाइम है कि बस पार्ट दे, आपको फिटेड करे और आपको गाड़ी दे, बस इतना काम है, बाद बाकी क्लेम इंटीमेशन, क्लेम सेंशन, क्लेम अप्रूवल्स सारे मैंने आपको करा के दिए, उसमें कोई आपका डिले कराया पढ़ाई विद इन 4 डेज आपको ऑलमोस्ट हो गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल हुआ कि नहीं, उसमें तो आप मेरे को अप्रिशिएट करिए थोड़ा। बिल्कुल अप्रिशिएशन कराएंगे हम आपको, बिल्कुल आपका तो है उस चीज में, जो चीज है थोड़ा सा ऐसा ना कि वो चीज आपके हाथ में भी नहीं है, वो चीज आपके हाथ में है ही नहीं है, तो दिल्ली को क्लेम को कराना आपकी तरफ से, क्योंकि आपके हाथ में तो इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस चीज को खुद सब चीज कर रहे हैं, तो वो चीज तब भी नहीं हो पा रही है पॉसिबल, तो वो चीज आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे पास मैसेज यही है कि 3 महीने काफी एक बड़ा टाइम पीरियड है। ठीक है आपके वर्ड्स हम ये भी रिमेम्बर रखेंगे और देखेंगे क्या होता है, आप ही खुद कहोगे कि क्या आपके वर्ड्स। बिल्कुल 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 जितेंद्र भाई बिल्कुल, तो बिल्कुल बंद करेंगे, अब बंद तो अब तब करेंगे ना जब सेटिस्फेक्शन हो, सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था क्या करें बताइए हमको। अब ये मान लीजिए कि ये वीडियो तो यूट्यूब पर फेसबुक पर सब जगह जाएगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, बंद कर